राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ अन्य कुछ तकनीकी मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव रुक गए हैं। क्या नई शिंदे फडणवीस सरकार के बाद भी चुनाव होंगे? ये सवाल जहां पूछा जा रहा है, वहीं सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी चुनाव सितंबर से नवंबर तक 3 महीने में होंगे। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपने बयान में कहा, हंस करने वाले हमारे सत्ता में आने को पहचान नहीं पा रहे हैं। एनसीपी की वरिष्ठ महिला नेताओं का कहना है कि कैबिनेट में कोई महिला नहीं है, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की पहली कैबिनेट बनी तो कैबिनेट में कोई महिला नहीं थी, इसलिए राजनीतिक अल्जाइमर नहीं होना चाहिए। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि जब कोई कैबिनेट नहीं था तब भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काम करते रहे। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ओबीसी आरक्षण का फैसला ले लिया। हमने अब तक कैबिनेट की सभी बैठकों में कई फैसले लिए हैं। पिछली सरकार की प्रारंभिक बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मुनगंटीवार ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया।